लवली फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम सारे यहाँ बैठे हैं और आप सबको मैरी क्रिसमस। और क्रिसमस की इस खुशी में, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस में, आज हम खेलने वाले हैं बच्चों के साथ, सबके साथ सीक्रेट सेंटा। और सीक्रेट सेंटा के लिए आपको, ये बहुत दिनों से तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, बहुत एक्साइटेड है, इंक्लूडिंग मैं भी। तो पीछे की क्लिप्स देखिए, फिर मिलते हैं। क्लिप्स बना रही हूँ और इसकी तैयारी हो रही है। आज 21st है और 25th तक हमें ये, अगर कोई गिफ्ट ऑनलाइन भी मंगवाना चाहता है तो एक्सप्रेस डिलीवरी में तभी आ पाएगा, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन में ही बिलीव करती हूँ, तो मेरे को तो इतना टाइम चाहिए। मिस्ट्री मैन को डालने ही भूल गए थे लिस्ट में, तो सुनो 25th को कर रहे हैं हम सीक्रेट सेंटा। कुणाल और मैंने सोचा, सुनो ये क्या है, स्लिप्स बन चुकी हैं, स्लिप्स निकालनी है, इसमें से कोई भी एक जना कि जिसकी स्लिप निकाल, आप किसी के सेंटा बनोगे, आप सीक्रेट सेंटा होगा, उसको नहीं पता होगा, बताना नहीं आपके पास। आज हम 21st है इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास ऑनलाइन की भी ऑप्शन है, जैसे मुझे तो ऑनलाइन ही प्रेफर करती हूं, तो एक्सप्रेस डिलीवरी आपको किसी को भी कुछ नहीं बताना है, अपने तक रखनी हो, क्लिप बनानी है, हर की कोई भी गिफ्ट ले रहे हो कुछ भी बाजार से लेने जाओगे आप क्लिप बनाओगे, तभी दादी को इंक्लूड नहीं किया जा रहा क्योंकि दादी क्लिप नहीं बना। एंड बजट बता दो, 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं अकेली जा सकती हूँ राजेश भैया के साथ, 500 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है? और फिर हम जब गिफ्ट आएंगे 25th को हम देखेंगे, 24th को तो हम देखेंगे, तो हमें पता गेस करना पड़ेगा कि हमारा सीक्रेट सेंटा कौन होगा, और जो जीतेगा उस, जो इसमें मतलब सही गैस करेगा तो उसको मेरी तरफ से एक प्यार भरी झप्पी। चलो मेरी बारी आ गई स्लिप उठाने की, देखते हैं किसकी टर्न आती है, कौन सा उठाऊं। मैं हूं इसकी सीक्रेट सेंटा, और मेरा जो सीक्रेट सेंटा, प्लीज मुझे कुर्ती देना प्लीज। चलो क्रेजी फैम, अब है मेरी बारी और मैं अपनी तरफ से जो विश कर रही हूँ, मेरा जिसके पास भी है वो मेरे को प्लीज़ 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 कोई कॉस्मेटिक आइटम दे दे, और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं किसकी सीक्रेट सांता हूँ। लेट्स पिक दिस वन। अब सोचती हूँ कि मम्मा को क्या देते हैं। इसमें मेरी बारी आ गई है, मेरी कोई ऐसी डिमांड नहीं है, बस बढ़िया गिफ्ट मिल जाए और मैं जिसको दूंगा बताता हूँ फिर किसका हूँ मैं सीक्रेट सेंटा। मिस्ट्री मैन, चलो क्रेजी मैम, अब चीट उठाते हैं, क्योंकि जादू बन जाऊँ सेंटा क्लॉज तो नहीं बन पाऊँगा। वो अब एक चीट मिस्ट्री मैन की किस्मत की है और एक मेरी है, तो मैं चूज करता हूँ इनकी विंकी को, ये वाली। लेट्स सी नाउ। और मैं तो चाहता हूँ मेरा सेंटा मेरे को वो 3-स्टार बॉल की, मतलब टीटी की 3-स्टार बॉल की वो गिफ्ट कर दे। सना, स्लिप्स उठ चुकी है और एक स्लिप बची है। मिस्ट्री मैन अभी आएंगे तो मैं उनसे उठवा लूंगी स्लिप। और अपना अपना तैयारी करो, कोई किसी को नहीं बताएगा, मैं तो नहीं बताने वाला, आप लोग तो देख चुके होंगे। मिस्ट्री मैन की कसम है, मैं तो बिल्कुल नहीं, और मैं हमारी एक्सप्रेशन से भी कोई नहीं जज कर सकता, पर मुझे लग रहा 500 का बजट थोड़ा कम है, कुणाल को भी लग रहा है, पर कोई बात नहीं, कोई बात। काफी डिस्कशन हुई अभी, सना के हिसाब से सबको अपनी विश बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कह रही है कि मेरे को ये दो, तो सबको पता है, जो भी जिसके पास भी इसका नाम आएगा वो चीज दे सकता है। तो बोलो आप अपने आप बता दो। तो सना की विश क्या है बताओ? मेरा है कि कोई भी कॉस्मेटिक की आइटम, बस एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा। चलो आप बताओ। मेरा, मुझे तो कोई भी कुर्ती यार। चौरे, अच्छा मेरे को तो जो मन करे वो दे दो, मेरे को नहीं बतानी। मेरे को भी कुछ भी चल जाएगा, कोई मेरे को भी ड्रेस मटेरियल चल जाएगा, कुछ नहीं है, उधर मत दे देना मेरे को, तो कुछ भी दे दो, मेरी बस मेरे सीक्रेट सेंटा जो भी इधर है मुझे कुछ भी दे दो। और सुनो जैसे चाची और सन्ना ने बताया, तो जरूरी है कि वही गिफ्ट देना है। अरे नहीं, हमने बताया कि ये हमारी विश है, एक्टिंग कर रहा ना कि तेरा। मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, सांता से अब बंदा विश तो करता है, स्लिप्स तो लगाता है, उसके बाद मिले ना मिले वही। अब आप क्लिप्स देखो। क्रेजी फैम, मैं आ गई और यहाँ देखना शुरू कर दिया है। मैंने कहा मैं भी ऑर्डर कर दूँ एक्सप्रेस डिलीवरी, और मुझे ना बड़े टाइम से ये उसको चाहिए था, और इस रेट पे यही मिल सकता है, मिंत्रा ही मेरा सेवियर, और 500 से ऊपर भी नहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब नहीं, एक सबके लिए रेट रखा हुआ है, और इससे मंगवाती हूँ। और ये क्लिप मिलेगी उसको 24th को ही, कुणाल को फिर वो एडिट उसी दिन सेम डे करेगा। हो गया है मेरा ऑर्डर और सॉर्टेड, अब इधर से इधर क्लिप से एयर ड्रॉप से ले लेती हूँ, और मैं टेंशन फ्री, और मेरा दिखा रहा है कि मैक्सिमम कल या परसों तक आ जाएगा लास्ट, तो बस उसके बाद पैकिंग करेंगे और देखते हैं गैस कर पाता। मुझे लगता है वो गैस हो जाएगा शायद, मुझे लगता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे पता है कि उसको ये चीज चाहिए थी आजकल। The next morning.
चलो क्रेजी मैम, मैं सना के लिए ढूंढ रहा हूँ गिफ्ट, और ये सना ने बोला था उसे मेकअप पसंद है, और ऊपर से उसने बोला था कि उसे रहने से पसंद है, तो पता नहीं क्या होता है ये, तो मैं उससे ही गिफ्ट ढूंढ रहा हूँ, तो मेकअप का ही ढूंढ रहा हूँ। मैंने उसे बोला था कि नहीं दूंगा तेको कभी मेकअप, लेकिन वो ये भाई हूँ, कोई नहीं देखता हूँ अब रहने का। एक तो 500 लिमिट है, वरना मैं उसे देखो क्रेजी मैम ये वाली मेकअप आफ्टर केयर किट दे देता। क्रेजी मैम चलो अब ऑर्डर हो चुके हैं, अब दिखा देता हूँ आपको ऑर्डर। अब पता नहीं सन्ना को पसंद आए या नहीं आए, बट ये दिखा रहे कि सैटरडे तक आ जाएगी डिलीवरी। क्रेजी मैम ये क्लिप हम अलग आके बना रहे हैं, आज है 22nd और आज क्लिप इसलिए बना रहे हैं स्पेशल आपको बताने के लिए। थोड़ा नीचे रखना बेटा, एंगल सही नहीं आ रहा कि ना अभी मम्मी एक्चुअली हम लोग सीक्रेट सेंटर वाला टास्क जैसा कि आपको पता कर रहे हैं, तो उसमें ना मम्मी पूछने आएंगे क्या कर रहे हो तुम लोग, और मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड थी कि वो भी बने किसी का सीक्रेट सेंटर, पर उनसे क्लिप नहीं बनेगी कि वो स्लिप नहीं हो, भाई क्लिप नहीं बना पाएंगे ना जब कोई गिफ्ट लेंगी। प्लीज डिसाइड किए, आ जाओ, सना भी आ चुकी है, ये डिसाइड किए ये देखो उसको ले नहीं रहा। मम्मी का बनते हैं सीक्रेट सेंटर, हाँ मतलब हमारा डिसीजन ये है कि एक गिफ्ट उनके नाम का हम लोग लाते हैं और उनके लिए भी एक गिफ्ट रखेंगे, क्योंकि क्रिसमस पे जब सबको गिफ्ट मिल रहा है तो मम्मी क्यों रह जाए। और तनिष नहीं आ रहा है क्योंकि 24th को हम लोग शूट कर लेंगे, क्योंकि 25th को हमें ये लाइव चाहिए व्लॉग, तो इसलिए तो हम तनिष नहीं होगा, तनिष को मिस करेंगे, बट कोई बात नहीं, वो आएगा तो उसको गिफ्ट दे देंगे। बट अभी मम्मी के लिए सब जब पार्टिसिपेट करें तो मम्मी क्यों रह जाए, तो मम्मी के लिए हम गिफ्ट लेने चलेंगे। जैसे कि आपको पता है मेरे सीक्रेट सेंटा मिस्ट्री मैन है, तो मैं उनको ना कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है मैकडोनल्ड्स की, तो मैं गया था कि मैकडी का गिफ्ट कार्ड मिल जाए 500 का, लेकिन वो गिफ्ट कार्ड बनाते नहीं, तो मैंने उनके लिए ये देखो मिंत्रा से ही ऑर्डर कर दिया, वो आप देखना अब क्या गिफ्ट। और जैसे कि आपको पता है मिस्ट्री मैन के पास भी किसी की स्लिप आई है, मेरे को नहीं पता नाम क्या है, लेकिन मिस्ट्री मैन ने कल ही मेरे से सुबह सब डंकी मूवी की टिकट बुक करा दी है 24th की, तो मिस्ट्री मैन तो सबके सीक्रेट सेंटा हो गया, तो सबके लिए वो सरप्राइज है, वो किसी को भी नहीं पता। 24th को हमारा 10:35 का रात का शो है डंकी का, तो हम वो देखने जा रहे, तो मिस्ट्री मैन ने तो बहुत बड़ा गिफ्ट दे दी कि सीक्रेट सेंटा बन गए। The next day, क्रेजी मैम मेरे साथ एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पास आया था मम्मा का नाम और मैं अभी रूम लॉक करके बैठी हूँ, तो होप कर रही हूँ कि बाहर आवाज़ ना जाए। हाँ तो मैं आपको पूरी वो स्टोरी बता दी क्या हुआ। मैंने सोचा था मम्मा के लिए मैं मिंत्रा से कुछ मंगवा लूँगी या मीशो से कुछ भी देख लूँगी, कि वो तो ज्वेलरी भी पहन लेंगी, कपड़े भी मंगा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। बट मैंने देखा तो एक तो आजकल के लाइफ में 500 की कोई वर्थ नहीं है, और तभी मेरे को थोड़ा मैं हेजिटेंट थी कि 500 में क्या ही आएगा। मेरे को जो उस रेंज में मिला मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, और जो मेरे को अच्छा लगा तो वो ज़्यादा रेंज का है। और मम्मा ने बोला 10-20 रुपीज़ का ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा नहीं, तो वो तो 1000-2000 रुपीज़ का मेरे को समझ आ रहा है, उससे नीचे का मैंने जो जो चीज़ें ढूंढ लिया हर जगह से ढूंढ लिया, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। और अब मैं पैनिक हो रही हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं मंगवाऊँगी क्या या लूँगी क्या, और अभी इतनी बड़ी तो मैं हुई नहीं हूँ कि मैं अकेली मार्केट चली जाऊँ, तो अब मैं बड़ी डरी हुई हूँ कि मेरी वजह से कहीं स्पॉइल ना हो जाए ये सीक्रेट सांता वाला। बट देखते हैं, आज हम जाएंगे शायद लेने सामान, तो मैं सोच रही हूँ कि एक सेकंड मम्मा को बोल दूँ कि मैं कहीं और जा रही हूँ, कि स्टेशनरी वगैरह का सामान है, और वैसे मैं चीज़ें लेके आ जाऊँ मम्मा के लिए। अब देखते हैं, आई टेल यू, आई कीप यू अपडेटेड कि क्या हुआ है और मैंने क्या लिया है। जी फैम ये देखो सरप्राइज हो गया है, जो मिस्ट्री मैन वाला है टिकट का प्रिंट आउट निकाल दिया, अब कल मिलेगा सबको सरप्राइज, इसको इस एनवेलप में डाल के कल गिफ्ट के साथ रख दूंगा मैं। निकल गए हैं सीक्रेट सेंटा का टास्क, मम्मी की सीक्रेट सेंटा हूँ मैं, यस चाची, और मम्मी के लिए मैं लाऊंगी गिफ्ट, एक तो वो आपने स्लिप देख ली होगी, बाकी मम्मी के लिए मैं ही ला रही हूँ। दिखाएंगे आपको तभी जब सीक्रेट सेंटा में अनबॉक्सिंग होगी, दादी को सरप्राइज देंगे, और दादी को के लिए मैं ला रही हूँ, बार बार इसलिए बोल रहे हूँ बच्चों का कोई रोल नहीं है, ये मैंने सोचा और मैं ही ला रही हूँ। हम आए हुए हैं मार्केट, अब मतलब लेने को तो मैं कुछ भी ले लूँ, क्योंकि मम्मा के लिए तो मेरे को उनकी चॉइस पता है काफी हद तक। ये दादी का सीक्रेट सेंटा ले रहे, चॉइस कर रहे दादी के लिए, ये स्पंज के सामान दिखाएंगे आपको तभी जब गिफ्ट अनबॉक्सिंग होगी। जाने का फायदा ये चेंज करा कर देते हैं मम्मी की चॉइस का, ये दुकान हमारी अपनी है। ये काम मैंने ले लिया है और अब देखते हैं कि क्या है, मैं अभी पैक वगैरह कर लूंगी घर जाके और आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये पैक हो चुका है दादी का गिफ्ट, उनसे भी पूछेंगे आपका सीक्रेट सेंटा कौन है, कौन मैं हूँ। हर बंदे के लिए सबके लिए स्लिप बन रही सबके नाम की, ताकि कोई चीटिंग ना हो पाए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किसको कौन सा आया। मैं सना शौर्य सेम हाई हैंडराइटिंग में सबको, वो बाकी एक जो इसको होगा वो रख लेगा, बाकी भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। अब
चलो आप प्रेजेंट डे में। चलिए अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं कौन कौन गेस कर पाता है। चलिए हम बड़े दिन से जो तैयारी चल रही थी ना, जिस जिस के गिफ्ट रेडी होते गए वो यहाँ रखते चले गए। ब्लैक पॉलिथीन के अंदर मैं दिखाती मतलब सीधा हाथ डाला है और बड़ी ऑनेस्टी के साथ किया है, क्योंकि यार हमारा भी मजा खराब होता है ना उससे। ये देखो अब ये एक ये निकाले, अब तो सेट करना है ना। अब बच्चों को फिर भी बालकनी में भेजे क्योंकि उनके एक्साइटमेंट एक अनदर लेवल पे ही है। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चा है ये दादी और ये फिर कह रही है हमारे कुछ मिले, कह रही है नहीं जिसकी स्लिप इनको एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा है, करिए जिसकी स्लिप निकलेगी उसी को। उधर सबके नाम के गिफ्ट्स है, उठाने और गेस करने किसने दिया, और ये गेस करना किसने दिया होगा बोलो। और क्रेजी मैम अभी हम बाहर थे ना, जैसे मम्मा सेट कर रही थी बाहर, दादी पूछती हमें क्या मिलेगा किसने दिया होगा। ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चा ही है। मिस्ट्री वैन भी बैठे हुए उनको भी मैंने बोला कहीं नहीं जाओगे, पहले ये हमारा क्रिसमस का चीज करवा दो। सबसे पहले जान है सना की, जैसे वो गई ये सबसे ज्यादा ये दादी पोती एक्साइटेड है सबसे ज्यादा। चलो देखते हैं इसको पता चलता है गैस कर पाए, ये लूप होल ढूंढती हर चीज में, देखते हैं अभी। चलो अपने नाम का गिफ्ट उठाओ, कहा है आपका, बैठ दो गैस करेगी, अनबॉक्सिंग कर लेना नाम से फटाफट कर बेटू। वो देखो इनसे अनबॉक्सिंग में ऐसे ही है ये लोग। मैं हेल्प कर सकती हूँ, वो तो पूरा बहुत गंद मचा रही है। ओ गॉड कैसी पैकिंग की है, कैसी सना खुश होती हुई दिख रही है। ओके आपको दो गैसेस मिलेंगे सना से, नहीं एक ही दो यार, इतने बंदों का हो गया। एक गैस है किसका ये, इसके पहले कलर्स देखने पड़ेंगे तब उससे समझ आएगा, क्योंकि मम्मा को पता है मेरा कलर गलत हुआ तो इनसे गिफ्ट छीन लिया जाएगा। नहीं नहीं यार फैमिली मेंबर को कितना आप जानते हो, ये वाली कंपनी रहने का सिर्फ ये मम्मा और शौर्य को पता है कि मैं इसका मंगवाती हूँ, और मैं पिंक शेड्स नहीं लगवाती तो मम्मा नहीं हो सकती, तो शौर्य का ही होगा। शौर्य हाँ है ना, हाँ। सना का यार क्या गेस, क्योंकि मैं कलर न्यूड शेड्स लगाती है ना वो, तो इससे पर नहीं पर मुझे तो रहने पता ही नहीं था। अच्छा लगा चलो थैंक यू, बोलो हगी करो। सीक्रेट सेंटा सना का है शौर्य है, शौर्य की बारी दादी मिस्ट्री मैन कुणाल, तो फिर तेरा यही होगा ग्रीन वाला ऑब्वियसली, जब कोई नाम नहीं है तेरा तो नो प्राइस फॉर गेसिंग। और मुझे ये लग रहा है कि इसने इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है। चलो देखते हैं, खुश होने वाला मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब अब ये गैस करेगा कि कौन है ये सोचेगा। ओ प्यूमा, और ये मेरी हंसी से सोचेगा भाई। खोलो तो कुछ क्यों हो रहा है इतना, मैं पजल भी कर सकती हूँ। कुछ नहीं होएगा यार, कहता कुछ नहीं, सब कंफ्यूज करो इसको। और इतना तैयार होके बैठा देखो तो सही, कितने रुपए बजट हमारा 500 का ही था तो वही होगा। लेकिन ये है चाची का गिफ्ट, आपका है रोल सना गैस, अगला गैस सना सना। ओ तो दो लोग बचे सिर्फ, दादी तो गलत ही हो गई, दादी तो क्लिप नहीं बना सकती थी, दादी तो थी मिस्ट्री मैन। मिस्ट्री मैन ने हाँ बोल दिया उधर से, मिस्ट्री मैन के पास टाइम नहीं था, उन्होंने यही मुझे लग रहा था, इन्होंने बॉक्स भी मेरा लिया, वो पजल बच्चा तो होना जरूरी था ना, क्योंकि बॉक्स मेरा है। अब शौर्य के मिस्ट्री मैन देख लो, शौर्य के सीक्रेट सेंटा है मिस्ट्री मैन, ये देखो। मुझे ये लग रहा है जो इसने खर्चा वो इसको वापस आ रहा है यार, रिवर्स हो गया ये तो। ये बड़ा अच्छा थॉट था आपका। चलो अब है क्रेजी चाची की बारी, और सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे ही दिख रहा था, ये तो छुप गया था गिफ्ट्स में, लेकिन गिफ्ट के साइज से नहीं उसको जज करा जाएगा। देख जाओ बैठ जाओ कौन बचा हुआ है,
यहाँ बैठ है। चलो अब चाची करेंगी गिफ्ट अनबॉक्सिंग, बहुत बड़ा गिफ्ट है, शायद टाइम लग जाएगा। हो सकता है यार, इस पे तो बस दिमाग लगाना है थोड़ा। लिप कलर, क्या पता वो वीडियो बना रहा हो जो आपका सीक्रेट सेंटा है। तू लिप कलर लेके आएगा? मतलब मैं ला नहीं सकता, ये क्या बात होती है? थोड़ा दिमाग लगाना, एक चीज बताओ अब। भाई मत बताओ, सब रेंज के अंदर लाए यार। ये मेरी चॉइस का है कलर, ये फिर मैं बताऊं, ये मेरी चॉइस का सना। हां हां बता। लड़कों को नहीं पता चल सकता ये चीज कि लड़कियों को ये कलर। अरे मैंने दे सोचा चाची लिखे तो एक मेरा, मैंने सना को दे दिया, और अब कौन बचा? कुणाल नाल भी और मैं ही तो बचे थे, ये भी तो बची थी। चलो चलो चलो, अब कुणाल अपना गिफ्ट उठा रहा है। यार मेरी तो पैकिंग प्रीटी गुड। ओ ओ क्रिएटिविटी। और ये तुम्हें लग रहा है मम्मी बड़ी खुश लग रही है? दादी तो दी नहीं, क्या पता ले आई हो। अब बच्चा कौन है? क्या पता, ये दिमाग मत लगाओ ज्यादा। शौर्य और वो बच्चे नहीं, अब तो कोई बच्चा ही नहीं। सब बचे हैं, दादी और मैं नहीं बचे। ये तो ऑब्वियस ही है। बढ़िया, इसमें प्राइस ज्यादा क्यों दिख रहा है? चाची चाची जी ये तो ऑब्वियस हो गया था ना थोड़ा बहुत, पर इसको पता भी था तूने। इसे ना बड़े डायनासोर का लोअर ले लो, अभी कर लो, इकट्ठे करूंगा। और मैं कहा चली गई, यही मंगाओ। और HRX का मिंत्रा पे बहुत, मैं प्रमोट नहीं कर रही, बट उसको ब्लैक कलर चाहिए था और उस रेंज में मिल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दादी के लिए हम में से कोई भी हो सकता है सीक्रेट सेंटा। यस, अब दादी का है सबसे मुश्किल गेस। और मम्मी का सबसे मुश्किल, और मम्मी का अभी इसके बाद मिस्ट्री मैन भी बचे। मम्मी का रेंज भी नहीं ध्यान दी गई मम्मी के लिए। अब ये मम्मी बताएगी कौन इनका सीक्रेट सेंटा हो सकता है। ऊपर कर दो, चलो कुछ कुछ। ओए दादी, गिफ्ट की खुशी कोई भी एज हो, यस, खुशी से बढ़िया खुशी कोई नहीं है, चाहे छोटा हो भी। नाइस नाइस नाइस, ये कौन हो सकता है? ये रुबीना यार, इधर तो सारे बढ़िया गैस हो चुका है। तो अब है मिस्ट्री मैन की बारी, तो ये मिस्ट्री मैन की वाइफ ही उठाएंगी गिफ्ट उनका। मिस्ट्री मैन, ये तो बड़ा गिफ्ट है, अनबॉक्सिंग करो। और जितना मैं खुश हो रही, पर आई एम सो हैप्पी। मिस्ट्री मैन, ये आ गया है मिस्ट्री मैन का गिफ्ट, अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग हो रही है। ये तो मिंत्रा का है, कौन बचाया अभी ये? कौन बचाया? चल मिस्ट्री मैन कह रही है ऐसे, कुणाल 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 बच गया क्या अभी? और क्या, और क्या है ये? सेम लोअर। ये भी HRX का प्रमोट नहीं कर रहे। HRX में ही सबसे रीजनेबल चीज है, 500 रुपए के अंदर सिर्फ HRX में आती, बहुत बढ़िया। मम्मी को पता है सुबह से तैयार बैठी थी जाने के लिए मैं, वो मम्मी अपने कजन के घर जा रही है, तो मैंने कहा अभी रुक जाओ हमारा सीक्रेट सेंटा करके फिर जाना, क्योंकि बच्चों ये क्या है? मेरी क्रिसमस। ये क्या है? ये क्या है? फाड़ो मत, क्या कर रहे हो? खोलो ना, खोलो नॉर्मली। ऐसा क्या मूवी है? क्या पता मूवी है क्या? क्या है? क्या पता हमें? अरे क्या है, क्या है? खोलो तो, खोलो खोलो। किसका था ये मिस्ट्री मैन? किसके लिए? बोल तो रे सबके है, तू खोलो फिर। कितना शौक मिस्ट्री मैन यार, क्या है ये? रुकेगी भाई, जल्दी निकाल। क्या है? कौन सी मूवी? डंकी। और आज की है? पर ये शौर्य, शौर्य की तो नहीं है सिनेमा के लिए? नहीं 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 है। 10:35 PM सीट बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन रिक्लाइनर। यस।